नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका गर्वित ऑनलाइन क्लास में। तो दोस्तों, आज अपने देश के लिए बहुत बड़ा दिन है। आज 15 अगस्त आपका 74वां स्वतंत्रता दिवस है। तो आप सभी के लिए और सभी देशवासियों के लिए गर्वित ऑनलाइन क्लासेस की तरफ से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 12th क्लास के मैथ के लेक्चर 7 के बारे में। इसमें हम प्रश्नावली 2 है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की, उसकी हम विविध प्रश्नावली लगाएंगे और इसमें हम जो है क्वेश्चन आपके 5 से लेके आगे क्वेश्चन लगाएंगे। इससे पहले की जो वीडियो है इसमें मैंने 1 से लेके 4 क्वेश्चन लगा दिए हैं, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर सीधे सीधे सभी वीडियो को आप क्रम बाय क्रम देख सकते हैं। तो देखते हैं इन क्वेश्चन को किस तरीके से हम हल करेंगे। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि आपका लेक्चर नंबर 7 है, ठीक है। इसमें हम विविध प्रश्नावली के 5 के बाद के क्वेश्चन लगाएंगे। इससे पहले मैं पिछली वीडियो में 1 से लेकर 4 क्वेश्चन मैंने लगाए हैं, तो आप उन क्वेश्चंस को देख लें, ठीक है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन का हम हल करेंगे तो किस तरीके से करेंगे, ठीक है। हमें दे रखा है, सिद्ध कीजिए कि कॉज इनवर्स 4/5 प्लस कॉज इनवर्स 12/13 इक्वल टू कॉज इनवर्स 33/65, ठीक है। सबसे पहले हम इसकी क्या ले लेंगे, LHS ले लेंगे, ठीक है। LHS क्या है आपकी, कॉज इनवर्स 4/5 प्लस कॉज इनवर्स 12/13। हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कॉज इनवर्स में, तो कॉज इनवर्स फॉर्मूला होता है कॉज इनवर्स एक्स प्लस कॉज इनवर्स वाई। ये फॉर्मूला होता है आपका इजिकल टू कॉज इनवर्स एक्स बाई माइनस अंडर रूट में 1 - x² इंटू 1 - y² अंडर रूट में आपके दोनों होंगे। तो ये फॉर्मूला और इस फॉर्मूले का हम यूज करके आंसर इसका निकालेंगे। तो देखते हैं LHS में आप देखेंगे x की जगह आपका 4/5 है और y की जगह जो है आपका वो 12/13 है। तो लगाते हैं तो क्या हो जाएगा आपका, सीधा cos इनवर्स आपका x इंटू y, मतलब x का मान कितना भी 4/5 इंटू y का मान कितना भी 12/13 माइनस अंडर रूट 1 - x², मतलब अंडर रूट आपका वो 4/5 का स्क्वायर इंटू अंडर रूट में आपका आएगा 1 - y², मतलब 12/13 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका कॉज इनवर्स में मान आ जाएगा। तो हम इसको केवल सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे देखते हैं। तो कॉज इनवर्स यहां हमने किया तो कि देखेंगे आपका 12/48 / 13/65, ठीक है, माइनस, और इसको देखते हैं। अब अगर इसका हम हल करते तो आएगा 1 - 16/25, मतलब इसका हमने होल वर्क खोल दिया। उसके बाद इसमें नेक्स्ट 1 - 144/169, ठीक है। तो ये मैंने आपका यहाँ पे खोल दिया। तो अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो आगे सॉल्व करने के लिए देखते हैं, तो ये आएगा आपका कॉज इनवर्स, ये तो आपका चली जाए 48/65 माइनस, इसको मैं कर सकता हूं जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो 25 इधर आएगा, 25 में से 16 गया, तो आपका कितना बचेगा 9/25 इंटू इधर आपका बचेगा 69, जब एलसीएम आएगा 69 - 144, तो ये आएगा आपका 25/169, ठीक है। तो अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं, कॉज इनवर्स ये आ जाएगा आपका 48/65 माइनस जाएगा 3/5 इंटू 5/60 आपका आएगा 13, ठीक है। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, वही हमारा आंसर होगा। तो ये हो जाएगा आपका कॉज इनवर्स आपका हो जाएगा 65, आपका एलसीएम आ जाएगा, तो आपका 48 - 5 × 3 आपका हो जाएगा 50, ठीक है। इसका जो हम हल करेंगे तो इसका आंसर जो आएगा वो आएगा आपका कॉज इनवर्स 48 - 15 गया तो आपका 33/65, यही आपकी RHS है, ठीक है। तो ये हमने सिद्ध कर दिया आप डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, सिद्ध कीजिए कि कॉज इनवर्स 12/13 प्लस कॉज इनवर्स 3/5 इक्वल टू साइन इनवर्स 56/65, ठीक है। दोस्तों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, कॉज इनवर्स को साइन इनवर्स में चेंज करेंगे, ठीक है। अब जब दोनों फंक्शन आपके साइन इनवर्स में चेंज हो जाएंगे तो हम फॉर्मूला लगाएंगे साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का। सबसे पहले हम LHS से हम क्या करते हैं, कॉज इनवर्स 12/13 को हम साइन में चेंज करते हैं। तो इसको मान लेते हैं हमने थीटा, इसको हमने माना है यहाँ पे,
ठीक है। तो यहाँ कॉस थीटा बराबर कितना आ जाएगा आपका 12/13, ठीक है। तो क्या हो जाएगा भाई, आधार बट्टे का। तो आप एक ट्राइंगल बनाएंगे, ठीक है, उसके हिसाब से आप थीटा मानेंगे, थीटा मानेंगे आप ये, तो इसके हिसाब से आधार कितना हो गया 12 और कर्ण हो गया आपका 13। इसके हिसाब से जो लंब आएगा वो आएगा आपका 13 का वर्ग 169, ठीक है, और 144 मतलब 5, ठीक है। ये आपका 169 में से जब आप 144 घटाएंगे तो 25, और 25 का वर्गमूल जो आएगा वो 5 आएगा। इसमें हमें पाइथागोरस प्रमेय यूज करनी है। तो यहां से हम साइन थीटा का मान निकाल सकते हैं। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण। तो लंब कितना आपका 5 है और कर्ण आपका 13 है। तो यहां से साइन थीटा बराबर मतलब थीटा का मान जो आएगा वो आएगा आपका साइन के पदों में साइन इनवर्स 5/13, जो किसके बराबर है हमने माना इसे कॉस इनवर्स 12/13, ठीक है। तो सिंपल आप सब देख सकते हैं कि कॉस इनवर्स 12/13 का जो साइन के पदों में जो मान आया वो आया 5/13। तो मैं इसे आप फंक्शन में मतलब जो आपका क्वेश्चन दे रहा है उसे रख सकता हूं, मतलब कॉस इनवर्स की जगह क्या रख दूंगा, इसकी जगह पे साइन इनवर्स 5/13 प्लस आपका चल रहा है आपका साइन इनवर्स 3/5, और सिद्ध क्या करना है हमें साइन इनवर्स 56/65। अब हम इसकी एलएचएस ले लेते हैं और एलएचएस का भी हम हल करते हैं, ठीक है। तो एलएचएस क्या है हमारी, साइन इनवर्स 5/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5, ठीक है। अब हम यहां पे फॉर्मूला लगाएंगे साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, क्या होता है आपका फॉर्मूला होता है आपका साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 - y² प्लस वाई अंडर रूट में आपका 1 - x² एक फॉर्मूला होता है, यहां पर माइनस होता है तो यहां पर भी माइनस होता है, ठीक है। फॉर्मूला बाकी सेम रहता है, मतलब साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई का होता है फॉर्मूला साइन इनवर्स ब्रैकेट में एक्स अंडर रूट बाय 1 - y² माइनस वाई अंडर रूट 1 - x², ठीक है। तो यहां पर प्लस है तो प्लस वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। अब फॉर्मूले में हम मान रखते हैं, ठीक है। अब एक्स लिए कितना हो गया आपका 5/13 और वाई लिए कितना हो गया आपका 3/5। तो मान लगाते हैं हम साइन इनवर्स, ठीक है, एक्स लिए कितना 5/13 अंडर रूट 1 - मतलब वाई का स्क्वायर मतलब 3/5 का होल स्क्वायर, उसके बाद प्लस वाई का मान कितना है हमारे पास 3/5, उसके बाद अंडर रूट में कितना आएगा आपका 1 - x² मतलब 5/13 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको हम सॉल्व करना है, उसके ही हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो देखते हैं साइन इनवर्स इसको किया तो 5/13, इसके बाद अंडर रूट में कितना आएगा आपका 1 - 9/5, इसका हमने वर्ग खोल दिया 3/5 का कितना है 9/25, ठीक है। उसके बाद प्लस 3/5 इसको भी हम करेंगे तो इसका कितना आएगा अभी 1 - 25/13 का होता है 169, ठीक है, ये हमने खोल दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं आगे, तो साइन इनवर्स ये तो हो जाएगा 5/13 मल्टीप्लाई। अब हम यहाँ पे 25 आपका एलसीएम मिलेगा और 25 में से 9 जाएगा वो बचेगा 16, 16/25 और उसका वर्गमूल निकालूंगा तो आएगा 4/5 प्लस, इसी तरीके से यहां करते हैं इनटू 169 आपका एलसीएम आएगा, 169 में से 25 कटाऊंगा तो आप बचेगा 144 और 144 का जो आपका स्क्वायर रूट मतलब वर्गमूल लूंगा वो आएगा 12 और 169 का आएगा आपका 13, ठीक है। अब इसको हम सोल्व कर लेते हैं, बस वही हमारा आंसर होगा। तो साइन इनवर्स यहाँ पे जो एलसीएम आएगा वो आएगा वो 13×65 और 13×65, ठीक है। ऊपर बचा आपका 20 और आपका 12×36, ठीक है। इसको हम करेंगे तो कितना आएगा भाई साइन इनवर्स 20 और 36 आपका 56 हो गया और नीचे आ गया आपका 65, यही हमारी आरएचएस है, ये हमने हल कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम 7। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है, सिद्ध कीजिए टेन इनवर्स 63/16 इक्वल टू साइन इनवर्स 5/13 प्लस कॉस इनवर्स 3/5। तो दोस्तों हम इसकी क्या लेंगे, आरएचएस लेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको 10 में चेंज करेंगे, इसको भी 10 में चेंज करेंगे, दोनों को 10 में चेंज करने के बाद फिर हम फॉर्मूला लगाएंगे टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का, जो हमारा 10 के पदों में होगा, ठीक है। तो सिंपल हम क्या करते हैं, पहले हम चेंज कर लेते हैं, हम साइन इनवर्स एक्स वो साइन इनवर्स 5/13 बराबर हम थीटा मानेंगे,
ठीक है, तो यहां से क्या मिलेगा हमें, साइन थीटा इज इक्वल टू 5/30, जो आपका क्या होता है लंब बट्टे का। ठीक है, आप एक ट्राइंगल बनाएंगे, थीटा माना हमने ये, ठीक है, तो अब यहां से थीटा के हिसाब से लंब हो गया 5 और आपका कर्ण हो गया 30, तो ये कितना आएगा आपका, आपका आएगा 13/169 माइनस 5/25, तो 169 में से 25 गया 144, तो 144 का वर्गमूल निकालेगा तो आपका 12। तो यहां से हमारा टेन थीटा का सीधा सीधा मान जो आएगा वो आएगा आपका लंब बट्टे आधा, तो लंब तो हो गया 5 और आधार हो गया आपका 12। यहां ठीक है थीटा का मान निकालते हैं, तो वो हो जाएगा आपका टेन इनवर्स, मतलब ये इधर आ जाएगा 5/12, और थीटा किसके बराबर माना हमने, साइन इनवर्स 5/13 के, प्लस साइन इनवर्स 5/13। तो यहां से साइन इनवर्स 5/13 का मान कितना निकला हमारा, 10 के बराबर 10 इनवर्स 5/12। सिंपल इसी तरीके से हम कॉज इनवर्स को भी हम चेंज करेंगे 10 के बदलाव में, तो इसे मान लेते हैं कॉज इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू 5, ठीक है, 5 मानेंगे तो यहां से कॉज 5 का मान कितना निकलेगा हमारा 3/5, ठीक है। अब यहां से हम सिंपल वही एक आपका ट्राइंगल बनाएंगे, ठीक है, ट्राइंगल आपका हमने इसे 5 मान लिया, तो कॉस के हिसाब से क्या हुआ भाई, आधार बट्टे कर्ण, तो आधार तो आपका कितना हुआ भाई 3 और कर्ण कितना हुआ आपका 5, ठीक है। अब यहां से हमें लंब निकालना है, लंब निकल के क्या करेंगे, 5/3, मतलब 25 में से 9 घटेंगे 16, 16 का वर्गमूल निकालूंगा तो कितना आएगा आपका 4। यहां सिंपल आप 10 का मान निकाल सकते हैं, 10 बराबर क्या होता है आपका, 10 बराबर होता है आपका आधार बट्टे, सॉरी आपका होता है लंब बट्टे आधार, ठीक है, तो कहने का मतलब आपका आया 10 5, तो लंब कितना आपका 4 है और आधार कितना आपका 3 है। अब यहां से हमें 5 का मान निकालना है, तो 5 बराबर कितना हो जाएगा आपका 10 इनवर्स 4/3, और 5 बराबर हमने किसके बराबर माना है, हमने माना है कॉज इनवर्स 3/5 के बराबर, इसे रख सकते हैं हम कॉज इनवर्स 3/5। तो यहां से हम देख सकते हैं कॉज इनवर्स 3/5 का मान हमारा 10 के बदम कितना आया 4/3, तो सिंपल आप हम अब ले लेंगे आपका क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन की हम आरएचएस साइड लेंगे, ठीक है, आरएचएस साइड क्या हमारी, वो है आपकी साइन इनवर्स 5/13 प्लस कॉज इनवर्स 3/5, हम दोनों को हमने 10 में चेंज कर लिया, सिंपल रख लेंगे यहां पर, ठीक है, कैसे रखेंगे देखते हैं, हमने साइन इनवर्स 5/13 को चेंज किया है 10 इनवर्स 5/12, ठीक है, प्लस अब कॉज इनवर्स 3/5 को चेंज किया है हमने 10 इनवर्स 4/3, ठीक है। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे कौन सा, 10x + y, 10 इनवर्स x, मतलब फॉर्मूला होता है आपका 10 इनवर्स x + 10 इनवर्स y इज इक्वल टू 10 इनवर्स x + y/1 - x, ठीक है, आप सीधा फॉर्मूला लगा सकते हैं और देखते हैं, तो 10 इनवर्स आपका 10 इनवर्स आएगा, x ये कितना है आपका 5/12, y ये कितना है 4/3 अपॉन 1 माइनस आपका हो जाएगा 5/12 × 4/3, इसको केवल क्या करना है सॉल्व करना है और आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। तो 10 इनवर्स ऊपर जो एलसीएम आया वो आया आपका 12, ठीक है, या फिर 12 × आप 3 ही रख दिए इसे, पूरा पूरा एलसीएम देंगे हम, आप वैसे 12 भी आ जाएगा और ये आपका हो जाएगा, तो वही आपका क्या हो जाएगा भाई 12 से 12 कटा तो आपका कितना होगा भाई 5 हुआ, सॉरी आपका 12 × 3 = 15, मतलब 12 से 12 कटा आपका 3 बचा, 3 का गुणा करेंगे आप 5 और 15 प्लस 3 से कटा तो आपका 12 × 6 = 48, नीचे कितना आएगा, नीचे भी आपका जो एलसीएम आएगा वो 12 × 3 का मतलब होता है 12 × 3 = 36 माइनस आपका 5 × 20 आपका दिया गया। अब देखते हैं, मैंने इसलिए आपका लासा 12 नहीं लिया क्योंकि 12 × 3 मैंने इसलिए लिया क्योंकि 12 × 3 से 12 × 3 आपका कट जाएगा सीधे सीधे, ठीक है, तो आपका जो शेष बचेगा वही आंसर होगा, तो आपका 15 + 48 होता है आपका 63, ठीक है, अपॉन ये आपका 12 × 3 से 12 × 3 कट गया, नीचे कितना होगा 36 में से 20 कटा तो होता है आपका
16, तो यही आपकी आरएचएस साइड है और यही आपका सॉरी यही आपकी एलएचएस साइड है, ठीक है, और यही आपका सिद्ध करना था, यही आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम 8। क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा, सिद्ध कीजिए टेन इनवर्स 1/5 प्लस टेन इनवर्स 1/7 प्लस टेन इनवर्स 1/3 प्लस टेन इनवर्स 1/8 इज इक्वल टू पाई बाई 4। दोस्तों हम सिंपल क्या करेंगे, इसे हम इन दोनों टेन इनवर्स को एक साथ लेंगे और इन दोनों को एक साथ लेंगे। इसमें हम लगाएंगे टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y का फॉर्मूला, ठीक है। तो क्या होता है फॉर्मूला हम जान लेते हैं पहले, टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y होता है आपका टेन इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है। तो हम अब हल करते हैं, तो पहले ही फॉर्मूला लगाएंगे, हम दोनों को साथ लेकर चलेंगे, तो मतलब एल एच एस हम इसकी ले रहे हैं, ठीक है, सिद्ध करना है। तो टेन इनवर्स एक्स ये कितना है आपका 1/5 प्लस बाई जगह कितना है आपका 1/7, ठीक है, अपॉन 1 माइनस 1/5 इंटू 1/7 प्लस। अब इन दोनों में लगाएंगे, आपका ब्रिज में प्लस का चिन्ह है, प्लस लगा दिया, तो अब यहां पर लगाएंगे हम टेन इनवर्स, यहां पर एक्स ये कितना भी 1/3 प्लस बाई जगह कितना है 1/8 अपॉन 1 माइनस 1/3 इंटू 1/8, ठीक है। अब दोनों को हल करते हैं, टेन इनवर्स ऊपर आपका एलसीएम जो आएगा वो 5 इंटू 7, ठीक है, तो 5 इंटू 5 से 5 कटा तो आपका बचा 7 प्लस, अब 7 से 7 कटा आपका बचा 5 अपॉन नीचे भी जो आपका एलसीएम आएगा वो आएगा आपका 5 इंटू 7, तो यहां पे बचेगा आपका 5 इंटू 7 मतलब 35 माइनस 1, ठीक है, प्लस इसी तरीके से यहां पर करेंगे सेम टू सेम, क्या हो जाएगा आपका टेन इनवर्स ऊपर जो एलसीएम आया वो आया आपका 3 इंटू 8, जो 3 से आपका 3 कटा तो आपका 8 प्लस 3, नीचे जो एलसीएम आएगा वो भी सेम टू सेम 3 इंटू 8, ठीक है, 3 इंटू 8 तो यहां पर कितना आएगा भी 8 या 24 माइनस 1। अब देखेंगे 5 इंटू 7 से 5 इंटू 7 कटा, 3 इंटू 8 से 3 इंटू 8 कटा, अब देखते हैं टेन इनवर्स कितना बचा ऊपर 5 और 7 12 बट्टे आपका 35 में से 1 गया तो 34, ठीक है, प्लस यहां पे बचेगा आपका टेन इनवर्स आपका बचा 11 24 में से 1 गया तो 23। अब पुनः आप फिर से मान लगाएंगे इसका टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का, तो फिर क्या होगा आपका टेन इनवर्स एक्स की जगह कितना हो गया 12/34 प्लस बाई की जगह हो गया 11/23 अपॉन 1 माइनस कितना आएगा अभी 12/34 इंटू 11/23, ठीक है। अब इसको कर लेते हैं तो अगली लाइन में देखते हैं, तो क्या आएगा आपका यहां पर टेन इनवर्स ऊपर जो लासा आया वो आया आपका 34 इंटू 23, ठीक है, 34 इंटू 23 तो 34 से 34 कटा तो 12 इंटू 23, तो 12 इंटू 23 प्लस 23 से 23 कटा तो 11 इंटू 34 अपॉन, तो यहां पर भी जो लासा आएगा वो आएगा आपका 34 इंटू 23, ठीक है। तो सिंपल आपका कितना हो जाएगा यहां पे 34 इंटू 23 माइनस 12 इंटू 11, ठीक है। तो अब यहां पर इससे तो पूरा ये कैंसिल हो गया, ऊपर क्या बचा वो देख लेते हैं हम, टेन इनवर्स तो टेन इनवर्स आपका 12 इंटू 23 का मल्टीप्लाई जो हुआ आएगा आपका 276 प्लस 11 इंटू 34 का जो मल्टीप्लाई आएगा वो आएगा आपका 374 अपॉन, इसके बाद आएगा आपका दो मतलब आपका 34 इंटू 23 का जो मल्टीप्लाई आएगा वो आएगा आपका 782, ठीक है, उसके बाद आपका 12 इंटू 11 का जो मल्टीप्लाई आएगा वो आएगा 132, ठीक है। अब देख लेते हैं ऊपर क्या बचता है नीचे क्या बचता है, तो ऊपर देखेंगे क्या बचेगा आपका 4 6 आपका 0 आपका कैरी 1 हुआ तो 7 14 1 15 फिर एक कैरी हुआ आपका तो 3 और 3 6 650, इधर आप 782 में से 132 घटाएंगे तो नीचे भी आपका 650 बचेगा, ठीक है। तो कितना हुआ आपका 650 से 650 कटा तो क्या आया आपका टेन इनवर्स इंटू 1, ठीक है। अब टेन इनवर्स 1 किसका मान होता है तो वो देख लेते हैं हम,
वो होता है आपका टेन इनवर्स टेन पाई बाई फोर का, क्योंकि टेन मतलब टेन फोर्टी फाइव और 45 को लिख सकते हैं हम टेन पाई बाई फोर, तो टेन इनवर्स टेन हटा तो क्या बचा आपका पाई बाई फोर, यही हमारी आरएचएस है। ठीक है तो दोस्तों ये हो गया आपका सिद्ध। ठीक है क्वेश्चन नंबर 8 था। तो दोस्तों ये था आपका लेक्चर 7। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे इससे 9 से आगे के क्वेश्चन के। ठीक है तो बने रहिए आप गर्वित ऑनलाइन क्लासेस के साथ, और मैथ का जो आपको पूरा इंटर क्लास का जो मैथ है पूरा हल मिलेगा। जल्द ही मैं अपने चैनल पर हाई स्कूल की जो मैथ है उसका भी सिलेबस लाने वाला हूं, तो बने रहिए और वीडियो को आप ज्यादा अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं इसके अगले लेक्चर में। जय हिंद जय भारत।